नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 12 के घर में। मैं हूं राहुल जार, आप देख रहे हैं बिग बॉस वीकेंड का वार वीक 6। यहां पर पिछला हफ्ता अगर हम कहें तो छठा हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहा है बिग बॉस के घर में। वहीं अगर लग्जरी बजट टास्क की बात करें तो वहां पर अंडों का एक टास्क हुआ था, जहाँ पर सबसे ज्यादा अंडे बचे थे दीपक के पास। उसके बाद मेघा जो है वो कैप्टनसी टास्क में दावेदार रही थी। उसी के बाद हम काफी घर में हंगामा भी हुआ है। अगर हम टास्क के बाद की बात करें तो श्री शांत ने टास्क के बीचों बीच अपना माइक उतारकर कहा है बिग बॉस के घर में कि दीपक उनके नौकर हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बात उन्होंने कर दी है जो दीपक को अगर पता चलेगी तो दीपक के दिल में जरूर चोट आएगी। बात यह है कि जो दीपक है वो श्री शांत को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं और उनके लिए उन्होंने काफी इमोशनल, अगर हम कहें तो ट्रेजेडिक और इमोशनल सॉन्ग्स भी गाए हैं। जैसे कि श्री शांत की टीम इंडिया की पूरी जर्नी, जिस तरह से वो बिग बॉस में आए हैं, जिस तरह से उनका पूरा जर्नी था, उस तरह का सॉन्ग उन्होंने दीपक ने बनाया है श्री शांत के लिए। लेकिन फिर भी श्री शांत को दीपक के ऊपर बिल्कुल प्यार और तरस नहीं है, वो उन्हें अपना भाई नहीं बल्कि एक नौकर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में सब अपनी गेम और अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। वहीं अगर हम लग्जरी टास्क की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अंडे दीपक के पास बचे हुए थे। उसके बाद सोमी और सोमी की अगर बात करें, उसके पास अंडे काफी थे। लेकिन आपको बता दें कि सोमी टास्क में आई क्यों, यानी कैप्टनसी टास्क में सोमी क्यों आई, क्योंकि जीती तो थी सभा, तो अपनी बहन के बहन को कैप्टन बनाने के लिए सभा ने सोमी को कहा कि अब मेरी जगह पे कैप्टनसी टास्क दीपक के साथ और मेघा के साथ आप लड़ेंगे। तो इस तरह से डिसाइड हुआ इस वीक का कैप्टन कौन बनेगा। तो कैप्टनसी के टास्क की अगर हम बात करें तो तीनों कंटेस्टेंट जो घर के हैं वो काफी एक्साइटेड थे, तीनों काफी रेडी थे टास्क में काम करने के लिए और टास्क को अपना जीतने के लिए और घर का कैप्टन बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि घर का नया कैप्टन दीपक बने हैं। दीपक अगर बने हैं कैप्टन तो काफी मुशक्कत और काफी मेहनत के बाद बने हैं, क्योंकि मेघा ने यहाँ पर उनका काफी ज्यादा साथ दिया। अगर हम साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके साथ टास्क में साथ नहीं दिया मेघा ने, मेघा ने उनको अच्छी टक्कर दी है। और टास्क में करेले का जूस और मिर्ची खानी थी, जिसकी वजह से सोमी जो है वो पहले ही टास्क से बाहर हो गई। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें बाहर निकलने के, तो कहीं ना कहीं ऐसा बीच में लग रहा था कि दीपक छोड़ देंगे टास्क को और यहाँ पर मेघा जी सकती है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री में पहले ही वीक में मेघा अगर घर की कैप्टन बन जाती तो वो एक अपने आप में बड़ा गेम प्लान के तौर पर गेम चेंजर बन सकती थी मेघा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, दीपक ने हार नहीं मानी, घर वालों के सपोर्ट से उन्होंने इस टास्क को जीता, करेले का जूस भी पिया और मिर्ची भी ली। लेकिन घर का कैप्टन बनने का जो एक मीठा और मिठास है वो भी दीपक को बाद में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा हफ्ता अगर हम बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग रहा। यहाँ पर टास्क अच्छे अच्छे हुए। लग्जरी टास्क की बात करें उसमें भी दीपक जीते थे, उसके बाद कैप्टनसी टास्क में भी दीपक विजेता बने हैं। और अब बारी है आज के दिन की, यानी वीकेंड का वार की, क्योंकि सलमान का गुस्सा आज किस पर फटेगा और किस पर नहीं वो आज रात को ही पता लेगा। लेकिन आपको बता दें कि सलमान का गुस्सा शायद और शायद साल आज श्री शांत पे दोबारा फट सकता है, क्योंकि कई हफ्तों से श्री शांत लगातार घर छोड़ने की बात करते हैं। अगर उनको जेल भेजा जाता है तो जेल से निकलने की प्लानिंग करते हैं, किसी ना किसी तरह से वो भागने की ही कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं सलमान ने पिछले 4-5 हफ्तों में श्री शांत को कुछ नहीं कहा, शायद उनका गुस्सा उतना नहीं फटा, लेकिन हो सकता है आज उनका गुस्सा फटे। क्योंकि रोमिल के साथ अगर हम बात करें तो जैसे उनको दोबारा इस हफ्ते जेल भेजने की बात हुई तो इस हफ्ते उन्होंने एक माइक उतार कर एक प्लानिंग किया कि वो जेल नहीं जाएंगे और जेल से बाहर अगर गए तो वहाँ से भागने की प्लानिंग भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं सूरभि और श्रीशांत फिर जेल में देखे जा सकते हैं, लेकिन इन तीनों ने मिलकर डिनाई कर दिया है वो जेल नहीं जाना चाहते, क्योंकि श्रीशांत हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि उनको जेल में जाने के लिए चुना ही जाता है। तो ये था इस हफ्ते के वीकेंड का अखबार का पहला क्लू, जो हो सकता है कि सलमान आज श्रीशांत पर बरसाएं। लेकिन बाकी और चीज़ें क्या होंगी, घर में कितनी मस्ती होती है, सलमान किसकी अगर बात करें तो किसके साथ किरकिरी और किसका मजाक उड़ाते हैं, वो तो आज आपको पता चल ही जाएगा देखते हुए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिग बॉस वीकेंड का बाद सीजन 12।